बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट एट यूनिट नंबर 4 ऑफ क्लास 10। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइफ। हम सबको अपने जिंदगी में कभी कभी मदद की जरूरत पड़ती है। समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स एंड वी मे गेट हर्ट। और बाज़ औक़ात हम में एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है, एक्सीडेंट होते हैं और ज़ख्मी हो जाते हैं। व्हेन वी आर इंजर्ड आर सडनली बिकम अनवेल। जब हम ज़ख्मी होते हैं या अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है, वी नीड समवन, तो हमें किसी आदमी की ज़रूरत होती है टू हेल्प अस, कि हमारी मदद करें। समवन हु नोज व्हाट टू डू, और वो आदमी मदद करे जो कोई के जानता हो कि क्या करना है। इट इज़ द टेम्पोरेरी एंड इमीडिएट हेल्प, तो ये एक आर्जी और हंगामी मदद होती है। दिस टाइमली असिस्टेंस, और ये जो वक्त पर मदद होती है, कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल टेक्निक, तो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ मेडिकल की टेक्निक होती हैं। इज मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टम एंड इज ऑफन लाइफ सेविंग, और ज़्यादातर क्या होती हैं, ये जख्मी को जिंदगी के बचाने के लिए होती हैं। यानी ये एक आर्जी और हंगामी मदद होती है। ये बर वक्त मदद जो सादा तबी मातों पर मुश्तमिल होती है और हादसे का शिकार या हादसा होने वाले आदमी के लिए इंतहाई अहम होती हैं। ये जिस खास हो जाता है उसके लिए बहुत अहम होती है। दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरीड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट, और इब्तदाई और किसी भी आम आदमी को दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरीड आउट, और ये तबी इमदाद दी जा सकती है यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट, थोड़े से तबी इमदाद से। किसी भी आम आदमी को इब्तदाई तबी इमदाद कम से कम सामान इस्तेमाल करके दी जा सकती है। फर्स्ट एड नॉलेज और इब्तदाई तबी इमदाद में रेंज फ्राम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डील विद एन अनकॉन्शियस विक्टम। यानी इब्तदाई तबी इमदाद का जो इलम है, ज़ख्मों की निगहदाश्त या देखभाल से लेकर बेहोश ज़ख्मी से पेश आने तक का इलम है। यानी ये क्या है, ज़ख्मी से लेकर बेहोश आदमी जो होता है उस तक ये इलम होता है, नॉलेज होता है क्या होना चाहिए। फर्स्ट, दूसरी है जी कट्स एंड स्क्रैप्स, ज़ख्म और ख़राशें। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड डिवेलप अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट यानी कोई जो मुश्किल आती है उस पर काबू पाना, हैंडलिंग होता है छोटे जो हादसात होते हैं उनसे निमटना। घर या सड़क पर मामूली हादसात की देखभाल से निमटना हंगामी हालात को संभालने का एहसास उजागर करती है। यानी हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और घर पर छोटे हादसात से निमटना और ऑन द रोड या सड़क पर डेवलप ए सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, तो ये क्या करती है, एक हंगामी हालात का एहसास उजागर करती है। दिस में प्रिपेयर पीपल, ये लोगों को तैयार कर सकती है। टू टैकल क्या है, ये इन्फिनिटिव है, विद अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज और गैर मुतवक्के जो इमरजेंसी है, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस बहुत बड़े एतमाद के साथ। ये लोगों को गैर मुतवक्के सूरतेहाल को एतमाद के साथ, भरोसे के साथ
सुलझाने के लिए या बेहतर करने के लिए तैयार करती है। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, छोटे जख्म या स्क्रैप खराशें यूजुअली डू नॉट नीड गो टू द इमरजेंसी रूम, यानी छोटे जो कट होते हैं या खराशें होती हैं लगने के दौरान जो इमरजेंसी या हंगामी कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं होती। येट प्रॉपर केयर इज असेंशियल, लेकिन जो मुनासिब देखभाल है वो ज़रूरी है टू अवॉइड इन्फेक्शन या अदर कम्प्लिकेशंस, यानी दूसरे जो इन्फेक्शन होता है या पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब देखभाल की ज़रूरत होती है। फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प, मंजैल जो हदायात हैं वो मदद कर सकती हैं यू हमें टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ इट, यानी किसी भी हालात से निमटना और देखभाल करना। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप द ब्लीडिंग, यानी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें पहले क्या होती है, खून को रोकना। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, छोटे जख्म और खराशों की सूरत में बाज़ औक़ात स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन, ज़्यादातर क्या होता है कि जख्म अल्लाह ताला ने एक नेचर बनाई है कि खून खुद ब खुद बंद हो जाता है। इफ़ दे डोंट अप्लाई जेंटल प्रेशर, अगर वो थोड़ा सा दबाव मतलब लगाएं विद ए क्लीन क्लाथ आर बैंडेज, पट्टी या कपड़े के साथ, यानी इफ़ दे डू नाट अप्लाई, अगर वो इस्तेमाल नहीं करते यानी अगर ऐसा ना हो तो साफ कपड़े या इस के साथ हल्का दबाव रखें। इफ़ दे डोंट नाट, यानी एक तो ये है कि कुदरती तौर पर खून बहना बंद हो जाता है, अगर ये नहीं होता अप्लाई जेंटल प्रेशर तो थोड़ा सा दबाव डालें विद ए क्लीन क्लाथ आर बैंडेज, पट्टी या कपड़े से। होल्ड अप प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 seconds, और ये दबाव यानी कपड़ा दबा के 20 से 30 सेकेंड तक रखें। एंड इफ़ पॉसिबल, और अगर मुश्किल हो एलिवेट होता है उठाना द वाउंड, यानी वो जो जख्म वाली जगह है उसको उठा के रखें। डोंट कीप चेकिंग टू सी, और ये देखने की जहमत गवारा ना करें इफ़ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप, अगर खून रुक गया है, ये ऐसा नहीं होता कि अगर जख्म है तो उसको देखेंगे रुक गया कि नहीं रुका है, बिकॉज दिस मे डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट, क्योंकि इस वजह से क्या होता है नुकसान हो जाता है या डिसलॉज हट जाता है द क्लॉट जमा हुआ खून, दैट इज फॉर्मिंग एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और ये क्या होता है दैट इज़ फार्मिंग जो बना होता है एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और दोबारा खून बहना शुरू हो जाता है। यानी ये देखने के लिए कि खून का बहना रुक गया है इसका मायना ना करते रहें, क्योंकि इससे क्या होता है जमा हुआ खून को नुकसान पहुंच सकता है या इसे हटा सकता है जो के बन रहा होता है, और फिर से खून के बहने को शुरू होने की वजह बन सकती है। इफ़ ब्लड स्पर्स आर कंटिन्यू, अगर खून स्पर्स होता है चश्मे की तरह उठना, अगर खून बहना शुरू करता है कंटिन्यू या जारी रहता है बहना आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर एक ख़ास दबाव के साथ भी, सीक मेडिकल असिस्टेंस, यानी अगर खून फूट कर निकलता है या मुसलसल दबाव के बाद भी बहना जारी रहता है तो इस हालत में हमें तिब्बी इमदाद की तरफ रुजू करना चाहिए। क्लीन द वाउंड, जख्म को साफ करना, रिंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर, साफ सुथरे पानी के साथ जख्म को खूब धोएं टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, और जख्म के गिर्द एरिया को साफ करें। यूज सोप एंड ए वॉश क्लॉथ, साबुन या धोए हुए कपड़े इस्तेमाल करें। जख्म के इर्द गिर्द की जगह को साफ करने के लिए साबुन और धोने वाला कपड़ा
इस्तेमाल करें, बट सोप कैन इरीटेट द वाउंड। लेकिन सब में से क्या होता है, ज़ख्म इरीटेट हो जाता है या ज़्यादा बिगड़ जाता है, सो ट्राई टू कीप इट आउट, तो इसे दूर रखें ऑफ द एक्चुअल वाउंड ज़ख्म से। यानी अगर आप ज़ख्म साफ़ करें तो वो साबुन की जो साइड वाली जगह है उसे सिर्फ धोएं, ज़ख्म को ना धोएं। इफ़ डर्ट और डिब्रीज, डिब्रीज क्या होता है, कोई सामान बच जाना या कोई भी कचरा वगैरह। इफ़ डर्ट और डिब्रीज, अगर गंदगी या कचरा रिमेन्स इन द वाउंड, ज़ख्म में रहे आफ्टर वाशिंग धोने के बाद, यूज़ ट्वीज़र्स, तो ट्वीज़र इस्तेमाल करें, यानी यू कंटिन्यू होता है विद अल्कोहल, अल्कोहल लगाकर टू रिमूव द पार्टिकल, और वो जो बीच में चीज़ें हैं उनको हटाने के लिए। अगर धोने के बावजूद कचरा और जो गंदगी है वो ज़ख्म में रहती है, तो अल्कोहल से साफ़ की हुई जो चिमटी या ट्वीज़र है वो मिट्टी की ज़रात साफ करने के लिए इस्तेमाल करें। इफ़ डिब्री स्टिल रिमेंस, और अगर कचरा फिर भी रहता है, सी योर डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाएं, थ्रू क्लीनिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस। तो इससे साफ करने से क्या होगा, जो इन्फेक्शन या तशनज का ख़तरा है वो कम हो जाता है। यानी अगर गंदगी की ज़रात आप साफ़ किए फिर भी नहीं निकले, बाकी हैं, तो अपने डॉक्टर को दिखाएं, मिलें, मुकम्मल सफाई जो होती है ज़ख्म की वो इन्फेक्शन और टेटनस या तशनज की ख़तरे को कम कर दिए। अप्लाई एन एंटीबायोटिक, यानी जरासीम कुछ जो दवाएं हैं उनका इस्तेमाल करना। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, और ज़ख्म साफ करने के बाद अप्लाई ए थिन लेयर ऑफ एंटीबायोटिक क्रीम, और पतली सी तह है एंटीबायोटिक क्रीम की, और ऑइंटमेंट या मरहम की इस्तेमाल करें, टू कीप द सरफेस मॉइस्ट, ताकि जो सतह है वो तर रहे। यानी ज़ख्म को साफ करने के बाद इसकी जो ऊपर वाली सतह है या जगह है उसको नरम रखने के लिए जरासीम कुश जो क्रीम होती है या मरहम है इल्की उसकी हल्की सी तह बनाकर इस्तेमाल करें। द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर, ये जो चीज़ें होती हैं ये ज़ख्म को जल्दी ठीक नहीं करती, ये मतलब इनकी वजह से ठीक नहीं होते भटके, बट दे कैन कीप हेल्प योर बॉडी नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट, लेकिन इंसान का जो कुदरती ज़रिया है ठीक होने का उसको तेज़ करती हैं। यानी जितनी भी ये क्रीमी बनी होती हैं प्रोडक्ट्स हैं ये क्या करती हैं, ज़ख्म को ठीक नहीं करती, बल्कि आपका जो कुदरती अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है सेजाब होने का उसके अमल को तेज़ कर देती हैं, उसको एक्सेलरेट करती हैं। सर्टन इंग्रेडिएंट्स और कुछ अज़ा इन सम ऑइंटमेंट मरहम में कैन काज ए माइल्ड रैश, यानी उससे सुर्खी आ जाती है इन सम पीपल, कुछ लोगों में। यानी कुछ मरहमें होती हैं, ऑइंटमेंट होती हैं, जिनमें बाद कुछ ऐसे अज़ा होते हैं जो कुछ लोगों में मामूली तकलीफ़ का परेशानी का बायस बनते हैं। इफ़ ए रैश अपीयर्स, अगर कोई तकलीफ़ महसूस हो, रैशेज आ जाए, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो वो आप मरहम इस्तेमाल करना छोड़ दें। कवर द वाउंड को क्या करना, ढंपना। बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, जो पट्टियाँ होती हैं वो ज़ख्म को साफ रखती हैं और जो नुकसानदेह होते हैं बैक्टीरिया उसे दूर रखती हैं। यानी पट्टियों के क्या काम होता है कि पट्टियाँ ज़ख्म को साफ रखने और नुकसानदेह बैक्टीरिया को ज़ख्म से दूर करने में मदद दे सकती हैं। आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड, और जब ज़ख्म ठीक हो जाए, एना बहुत ज़्यादा टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली,
और ना होने के लिए एक्सपोजर टू द एयर, हवा में खुला छोड़ दें, विल स्पीड वाउंडिंग हीट, तो ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। ज़ख्म के काफ़ी ठीक हो जाने के बाद इन्फेक्शन के जो इम्कान हैं उसको कम करने के लिए हवा में खुला छोड़ दें, तो इससे ज़ख्म जो ठीक होना है उसकी रफ्तार तेज़ हो जाएगी। यानी अगर ज़ख्म ऊपर से मिल गया है तो हवा में खुला छोड़ दें, इससे क्या होगा, ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी को बार बार बदलना। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली, यानी जो पट्टी है उसको कम से कम दिन में एक दफ़ा तब्दील करें, और वेन एवर इट बिकम्स वेट आर डर्टी, या जब वो गीली या गंदी हो जाए, यानी कम से कम रोज़ाना, या जब भी पट्टी गीली हो या गंदी हो जाए तो उसको तब्दील कर दें। इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव, अगर आप वो चपकन वाली टेप से एलर्जी है, यूज इन मोस्ट बैंडेज, जो ज़्यादातर पट्टी में इस्तेमाल होती है, स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग, तो ऐसी पट्टी इस्तेमाल करें जिनमें एडहेसिव टेप नहीं होती, चिपकन वाली टेप नहीं होती। आ सिटराइज गेज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, या जो जाली है उसको सिटराइज कर लें, साफ कर लें विद पेपर टेप, पेपर टेप के साथ। गेज आर रोल, अगर आपको जो पट्टी में इस्तेमाल होने वाले या चिपकाने वाले मादे से एलर्जी हो जाती है तो इसको तब्दील करके चिपकाए जाने के बगैर इस्तेमाल होने वाली जो पट्टी है या जरासीम से आज़ाद पट्टी है या जिसमें जरासीम नहीं होते, सूती कपड़े की पट्टी का इस्तेमाल करें, जो क्या की जाती है, कागज़ के टेप के साथ लगाई जाती है। गेज रोल आर ए लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, और या इसका दूसरा ये है कि जालीदार या पट्टी इस्तेमाल करें, या जो जालीदार होती है इलास्टिक बैंडेज वो इस्तेमाल करें, यानी या तो जालीदार पट्टी का रोल या ढीली ढाली जो लचकदार पट्टी है उसको इस्तेमाल करें। दीज सप्लाईज जनरली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज, और ये जो चीज़ें हैं ये आम तौर पर जो फार्मेसी या मेडिकल की दुकानें हैं उन पर मौजूद होती हैं। वॉच फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की अलामत की निगरानी करना। सी योर डॉक्टर इफ द वाउंड इज नॉट हीलिंग आर यू नोटिस एनी रेडनेस, डॉक्टर से मिलें अगर जख्म ठीक नहीं हो रहा, मुंदमिल नहीं हो रहा, आर यू नोटिस एनी रेडनेस, या उसकी सुर्खी में इजाफा हो रहा है, इंक्रीजिंग पेन, दर्द में इजाफा है, ड्रेनेज, पानी बह रहा है, वाम गर्मी है या स्वेलिंग है, यानी अगर आपका ज़ख्म है वो ठीक नहीं होता या आपको इसमें सूखी तकलीफ ज़्यादा होता है, पानी रिसता है या तपश है या सूजन है, तो इन हालतों में फौरन क्या करें, सी योर डॉक्टर, डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर से माना करवाएं। फर्स्ट एड किट, इब्तदाई तिब्बी सामान क्या होता है, एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल, हर दफ्तर, फैक्ट्री, कारखाना, घर और स्कूल में शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स, एक ऐसा बॉक्स मौजूद होना चाहिए विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स, जिसमें मंजर चीज़ें होनी चाहिए। यानी यही होता है कि जितने भी ये इदारे हैं इनमें मौजूद होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स, जिसमें ये जो नीचे तजवीज़ करता है सामान, बुनियादी चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए। पहला है फर्स्ट एड बॉक्स, क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम्स, फर्स्ट एड बुक। पहले तो ये है कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद की जो किताब है वो है
वो इस बात की वजाहत करती है कि बुनियादी मसाइल से किस तरह निपटना है, किस तरह उनको हैंडल करना है। उसमें मुख्तलिफ किस्म की एमरजेंसी के बारे में मुख्तलिफ ट्रीटमेंट लिखा होता है। नाउ नेक्स्ट इज बैंड एड्स प्लास्टर, जिसे कहते हैं इब्दाई तिबी इमदाद के प्लास्टर। बैंड एड्स आर स्टिचिंग प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स। इमदादी और चमकने वाले जो चिपकने वाले या चमक जाने वाले प्लास्टर होते हैं वो छोटे जख्मों की पट्टी के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब हैं, अच्छे हैं। दे कम इन आल शेप्स एंड साइजेस फॉर फिंगर्स लेग्स एंड एनीवेयर। तो ये जो प्लास्टर होते हैं वो उंगलियों, टांगों और जिस्म के किसी भी हिस्से के लिए जहां आपको मामूली ज़ख्म आए तमाम शक्लों और साइजों में मौजूद होते हैं। ये छोटा ज़ख्म है तो छोटा प्लास्टर, बड़ा हो तो बड़ा। नो नेक्स्ट इज एल्ज यू माइट गेट लिटल कट्स, यानी अगर छोटा भी जख्म है उसके लिए भी मेक श्योर द बैंड एड इज बिग इनफ टू कवर द वाउंड। इस बात को यकीनी बनाना है आपने कि इब्दाई पट्टी इतनी बड़ी हो, मेक श्योर द बैंड एड, यानी यकीन करना है कि जो पट्टी है वो इतनी बड़ी है टू कवर द वाउंड, जख्म को डांप लेती है। यानी ऐसा ना हो कि जख्म तो बाहर निकला हो पट्टी बांधी हो, यानी पट्टी इतनी बड़ी हो कि जख्म को डांप दे। इफ यू शुड नॉट यूज ए ड्रेसिंग इंस्टेड, अगर आप ऐसा ना तो आप इसके बजाय कपड़े की पट्टी भी इस्तेमाल करें। इफ नॉट यू शुड यूज ड्रेसिंग इंस्टेड, अगर ऐसा नहीं है पट्टी दस्तियाब नहीं है तो आप उसको कपड़े के साथ। इलास्टिक बैंडेजेस जो होते हैं या लचकदार पट्टियाँ, द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन जॉइंट्स। जो लचकदार पट्टियाँ हैं वो मोच जिन्हें जॉइंट्स को आ जाता है जोड़ों को, उनको लपेटने के लिए बेहतर होती हैं। आर मेकिंग ए स्लिंग या स्लिंग बनाने के लिए इन द केस ऑफ ब्रोकन आर्म, यानी बाजू को लटकाने के लिए स्लिंग बनाने के लिए जो इलास्टिक की पट्टियाँ हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं या अच्छी होती हैं। गेज एंड एडहेसिव टेप, यानी चिपकने वाली और जालीदार पट्टी। गेज पेड्स आर रोल्स और क्लाथ पैड्स, यानी जालीदार या रोल्स क्या होते हैं, कपड़े के पैड्स होते हैं। दैट आर प्लेस डायरेक्टली ऑन ए वाउंड, जिनको ज़ख्म पर रखा जाता है टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, यानी खून ज़ख्म को बचाने के लिए या खून बहने से रुकने के लिए। फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स, जो बड़े ज़ख्म आते हैं। तो जालीदार और कपड़े की जो गद्दी होती है या रोल, कपड़े की ऐसी बनी हुई गद्दी होती हैं जिन्हें ज़ख्म की हिफाजत और खून जो बह रहा है उनको रोकने के लिए डायरेक्ट ही ज़ख्म पर रखते हैं। वो किसके लिए, बड़े ज़ख्म और खराशों के लिए। यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गेज इन प्लेस। यू विल नीड, आपको ज़रूरत होगी एडहेसिव टेप की टू कीप द गेज इन प्लेस, यानी आपको जालीदार पट्टी को अपनी जगह पर बरकरार रखने के लिए जो चिपकने वाली टेप है उसको ज़रूरत होगी। इन एमरजेंसी हादसाती सूरत में अ क्लीन क्लाथ, एक साफ कपड़ा, हैंड टावल, तौलिया, क्लीन टी शर्ट और साफ सुथरी टी शर्ट कैन बी यूज टू कवर द वाउंड। यानी अगर ये पट्टियाँ नहीं हैं तो एमरजेंसी हालत में आप साफ कपड़ा, तौलिया, साफ तौलिया, हाथ तौलिया जो होता है, और टी शर्ट साफ भी ज़ख्म को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट इज एंटीसेप्टिक वाइप्स। जरासीम जो कोश होते हैं, बारीक कपड़े
अल्कोहल स्वैप्स जो के बारीक कपड़े और रुई के होते हैं एंड वूल कॉटन, यानी जो वाइप्स होते हैं फाइव जिसे हम कहते हैं वो जरासीम कपड़े और रुई के बने होते हैं वो शामिल हों। उसके बाद नेक्स्ट दी सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीज़र्स, हिफाजती पिन और चिमटियाँ, चिमटी कहते हैं जो जिसके ये दो आगे से होते हैं, सीजर्स कैंची, ये हिफाजती इट्स कॉल्ड सेफ्टी पिन्स, सीजर्स कैंची, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज नीडेड टू कट द टेप एंड गैस, यानी जो कैंची है वो ज़रूरत होती है टेप को या जालीदार पट्टी को काटने के लिए इस्तेमाल। नेक्स्ट इज लेटिस ग्लव्स, लेटिस ग्लव्स लेटेस्ट दस्ताने जो होते हैं हमेशा आर ऑलवेज गुड आइडिया, एक बहुत अच्छा ख्याल है, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम ए स्ट्रेंजर, यानी जब आप किसी भी एक अजनबी है उसके फ्लूइड्स है या कोई जख्म बह रहा है या रुतूबत है उसको साफ कर रहे हैं तो इसके लिए दस्ताने ज़रूरी हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं, लेटेस्ट ग्लव्स ग्लव्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है जी कालमाइन लोशन, कालमाइन लोशन इज़ यूज फॉर सूथिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग्स, और ये इस्तेमाल होता है जो जली हुई चीज़ है उसको कम करने के लिए और स्टिंग या जख्म, जख्म की जगह पर इस्तेमाल करते हैं जिससे उसकी जो ये जो गुलाबी मादा होता है या कम लोशन होता है ये धूप में झुलसने सन या तस्कीन धूप में झुलसने फॉर सूथिंग सन बर्न्स एंड स्टिंग्स, या जख्म पर कोई स्टिंग हो जाता है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर जो कि टेम्परेचर को चेक करने के लिए रास्ते में, एनाल्जेसिक टैबलेट्स सच एज एस्पिरिन और पैरासिटामोल, यानी जो कि एस्पिरिन और पैरासिटामोल हैं जो कि दर्द को रिलीफ देती हैं, तो अभी उस उम्मीद है आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखना, पेरेंट्स का, माहौल का, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।